हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं अमन, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं लोबिया आलू की सब्जी। उसके लिए हमें ले लेना है लोबिया एकदम फ्रेश। सबसे पहले हम सारी लोबिया को इकट्ठा करके उसके आगे का पार्ट निकाल देंगे। फिर उसके बाद लोबिया को बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरह से मैं काट रहा हूँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लोबिया को बिल्कुल इसी तरह से काटना है। फिर हमें ले लेना है एक आलू। आलू को भी मैं इस तरह से जैसे काट रहा हूँ, आपको पहले आलू को बीच से काटना है, फिर उसको सीधा काटना है, फिर उसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लेने हैं। छोटा इसलिए काट रहे हैं क्योंकि हमें भुनी हुई सूखी मसाले की सब्जी बनानी है। जितना आलू नॉर्मल रहेगा उतना टेस्ट अच्छा आएगा। इधर तैयार कर लेते हैं उसका मसाला। खड़ी धनिया, सूखा मिर्च, एक लकड़ी, चार पाँच लेने हमें लहसुन की कलियाँ, थोड़ी काले मिर्च। इन सारी चीज़ों को बारीकी से अच्छे से हल्की आँच पर भून लेंगे। जब ये हमारी सारी चीज़ें भून जाएंगी तो इनको मिक्सर ग्राइंडर में एक पूरे प्याज के साथ इसका मसाला बना लेंगे। एक पैन में ऐड कर देंगे सरसों का तेल, उसमें कटी हुई प्याज डालेंगे और जो मसाला हमने पीस के रखा था उसमें ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च और ऊपर से डाल देंगे हल्दी पाउडर कलर के लिए और टेस्ट के लिए भी। फिर इसको धीमी आँच पर हमें भून लेना है अच्छे से। मसाला हमारा जब भुन जाएगा भगोने को, पैन को छोड़ देगा इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे लोबिया आलू जो हमने काट के रखा हुआ था। लोबिया आलू को हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे कि जितनी भी सब्ज़ी हमने काटी है पूरे में मसाला अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, फ्लेवर पूरे सब्ज़ी में आना चाहिए। और जब हमारा ये लोग सब्ज़ी अच्छे से भुन जाएगी तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालेंगे इसलिए क्योंकि हमने आलू डाले हैं तो आलू को गलाने के लिए थोड़ा पानी ज़रूरत पड़ेगा। ऊपर से लगा देंगे ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद देखिए बन के रेडी हो गई लोबिया आलू की सब्ज़ी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें।